हेलो फ्रेंड, दोस्तों मेरा यह कोशिश रहता है, छोटा सा कोशिश रहता है कि आपके जीवन में कुछ न कुछ नया परिवर्तन ला सकूं, और वही परिवर्तन पर यह वीडियो आधारित है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बाज की कहानी तो सुन रखा होगा। बाज जो कि पक्षियों का राजा होता है, उम्र की बात करें तो तकरीबन 70 वर्ष का उम्र बाज का होता है। लेकिन बाज के जीवन में बहुत बड़ा मुश्किल भरा जीवन आता है। वह अपने जीवन से, मृत्यु से जूझता रहता है। जब वह 40 वर्ष का होता है तो उसके जीवन में है वह बहुत बड़ा जो है वह कहें कि ऐसा वक्त आता है कि उसका जीवन झकझोर कर रख देता है। जब उसका पंख काम करना बंद कर देता है, जिससे वो उड़ नहीं सकता है। जब उसका चोंच जो है वह काम करना बंद कर देता है, जिससे वह कोई भी शिकार को नहीं कर सकता है। जिससे वह शिकार को पकड़ता है अपने पैर से, नुकीले पैर से, वो भी काम करना बंद कर देता है 40 वर्ष की उम्र में। तो उसके पास दो रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता जो कि वो अपने आप को बूढ़ा घोषित कर ले और मृत्यु के लिए वह इंतज़ार करे। दूसरा रास्ता कि वह ये सब को छोड़कर, और दूसरा रास्ता जो है वह नाखून और पंख, उसके बाद जो चोंच है उसको तोड़कर फिर से एक नई जिंदगी का शुरुआत करे, और प्राकृतिक उसे फिर से नाखून, चोंच और पैर का जो है वह नुकीली जो नोक होता है वो फिर से वापस ला सके। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि पक्षी जो होता है बाज, वो दूसरे रास्ते को अपनाता है। सबसे पहले वो जो है वह अपने नुकीले चोंच को और नुकीले पैर को जो है उसको तोड़ देता है। जब तोड़ने के बाद धीरे धीरे आना शुरू होता है, ये प्रकृति का नियम है। जब आप इससे जूझे भी होंगे कि कभी कभी आप चलते हैं तो अचानक से ध्यान कहीं और रहता है और अचानक से पैर में जो है वह ठेस लग जाता है, तो आपका नाखून जो है वह हिलने लगता है और नाखून वह आपका गिर जाता है। तो धीरे धीरे वह बड़ा होता है, ठीक है। तो यह प्रकृति का नियम है। तो उसी प्रकार जब बाज अपने नाखून और पैर की नाखून को और चोंच को तोड़ा तो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद बढ़ गए तो नाखून और पैर के जरिए से अपने पंख को तोड़ डाला। तोड़ने के बाद पश्चात उसको 6 महीना का कष्ट झेलना पड़ा। 6 महीना का कष्ट झेलकर उन्होंने, बाज ने, जो कि 30 साल का जीवन जो है वह फिर से उनको मिल गया। देखिए यहाँ पे बाज की जिंदगी से हमें दो सीख मिलती है। पहला जो है वह जीवन में कितना भी कठिन आपको परिस्थिति आ जाए, आप जो है वह सब कुछ बर्बाद हो गया हो आपका, कितना भी खराब मुश्किल वक्त आ जाए, आप रोने से तो कुछ नहीं होगा। अपना सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और फिर दूसरे काम में आप लग जाइए और पूरे जी जान से लगिए और फिर वो काम आप हासिल कीजिए। दूसरा कि आप जो है वह कुछ दिन के लिए दर्द सहिए, देखिए आपका जीवन फिर से चमचमाता हुआ नज़र आएगा। कुछ दिन आप जूझते हैं, कोई भी आप काम करते हैं या पढ़ाई हो या कोई भी अदर क्षेत्र हो, कुछ दिन, 6 महीना, 1 साल 2 साल आप उस दर्द, उस पीड़ा में आप रहते हैं, तो वही आपका जो दर्द होता है वो बाद में जाकर नई ताकत की ओर उभरता है और आप कुछ करते हैं। सो आप अगर जिंदगी में जो है वह कुछ नया करना चाहते हैं तो अभी से आपका जो है वह मेहनत होना चाहिए, ताकि यही मेहनत आगे जाकर रंग जो है वह ला सके। तो
अभी से आप चलना शुरू कीजिए, आने वाले समय आपके लिए बहुत बेहतरमंद साबित होगा और आप हिम्मत कीजिए और निकल चलिए। तो दोस्तों यह मेरा छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टेक केयर।